आज हम गाजर का सैलेड बनाने जा रहे हैं। सर्दी का राजा सैलेड गाजर, कैरेट सैलेड, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसके लिए हम गाजर ले सकते हैं अपने मुताबिक, 2 गाजर 3 गाजर, जैसे भी हमको लगे शुरू में। और उसको फिर हम स्लाइस करेंगे, इस तरह हम पतला पतला स्लाइस कर लें, जितने थिन हम कर सकते हैं उसका स्लाइस, उतना थिन हम कर लें ताकि खाने में टेस्ट आए और जो भी हम इसमें मिलाएँगे वो अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मिर्च और नमक, सिर्फ 2 ही आइटम, नमक और मिर्च। खटाई के लिए नींबू या सिरका ले सकते हैं और खूब सारा टमाटो केचप। ये टमाटो केचप उसके टेस्ट को बहुत अच्छा डेवलप करता है और बच्चों के हिसाब से मीठा भी होता है। और इसके लिए हमने लाल मिर्च और नमक तो लिया ही है। और इस तरह हम टमाटो केचप मिला देंगे। और टमाटो केचप हम अपने टेस्ट के हिसाब से जितना कम ज़्यादा मिला सकते हैं, जैसा हमारा अपना पर्सनल टेस्ट होता है, ज़्यादा मीठा या कम मीठा, तो टेस्ट करते जाएं और मिलाते जाएं टमाटर केचप। और इसके बाद सिर्फ 2 आइटम रह जाएंगे जिसे हमें रोस्ट करके इसमें मिलाना, और ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमने अभी नमक, मिर्च और टमाटर केचप इसमें मिला लिया और कुछ नहीं किया, इसे रो रखा है हमने ना। उसके बाद फिर हम इसमें मिलाएंगे राई और वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो सर्दियों में होते हैं। राई हम थोड़ा कम लेंगे शुरू में, तो इस तरह हमने राई और सफ़ेद तिल ले लिया और उसे रोस्ट किया। और जैसे ही रोस्ट करेंगे और 2 मिनट तक हल्के से रोस्ट हो जाए, वो जले नहीं, ध्यान रखिए, और इसे बस हमें इसको इसमें मिला देना है। और रोस्टेड तिल और राई जब इसे मिलते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग, बहुत ही यूनिक हो जाता है, एकदम अलग। और हमने इसमें खटाई डाली है, प्रिजर्वेटिव की तरह सिरका डाला है, तो इसे हम रख भी सकते हैं हफ्ते भर तक फ्रिज में, इस तरह हम स्टोर करके रख लें। तो ये खाने के साथ बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, और इस तरह रोज़ गाजर को हम कंज्यूम कर सकते हैं। अचार और सैलेड में गाजर खाते हुए हम बोर हो जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। और